Hello dear students, we were on chapter number 5 and we were studying different method of separation. तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे separating soluble solid from liquid. किसी liquid में एक solid जो है वो पूरी तरीके से घुला हुआ है, उसको आप अलग कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे evaporation and condensation. Evaporation क्या होता है? Evaporation liquid का vapor की form में convert हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है. लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे. तो इसको हम यूज़ करेंगे सेपरेशन टेक्निक में. होगा क्या हमारे पास कि यहाँ पर हम ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ जो सब्सटेंस है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं जबकि कुछ लेट इवेपोरेट होते हैं. तो जिस तरीके से अगर हम बात करें कि मैंने जो है वो पानी में नमक घोल रखा है, ठीक है. अब नमक जो है वो सॉलिड था लेकिन वो पानी में घुल गया पूरी तरीके से. अब नमक को पानी से अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? उस मिक्सचर को उबालना शुरू करेंगे, बॉयल करेंगे. बॉयल करने पर वाटर तो जो है वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम में वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. वेपर में वो चेंज हो जाएगा. और अब आप क्या करेंगे कि ऊपर कोई एक कंटेनर लगा लेंगे जिससे कि जो वो वेपर बन रही है वो उसका वो कंटेनर उस वेपर को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है. तो यहाँ पर वो कलेक्ट करेगा तो वो वेपर ठंडी होगी तो वो वापस किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में. होता क्या है, वाटर को गर्म करेंगे तो वो वेपर बनाएगा, वेपर ठंडी होकर वापस लिक्विड बना लेगी. तो नीचे क्या रह जाएगा? जब हम सॉल्ट और पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी तो वेपर बन के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा. तो इसी तरीके से सॉल्ट बनाया जाता है. समुद्र से सॉल्ट को इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है. तो ये तो हो गया हमारे पास इवेपोरेशन. अब आता है हमारे पास इसका अपोजिट जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है कि वाटर का वेपर में चेंज होना, ठीक है, वो इवेपोरेशन. और वेपर का वापस वाटर में चेंज होना, दोनों अपोजिट हैं. वाटर का वापस सॉरी वेपर का वापस वाटर में चेंज होना, ये क्या है? कंडेंसेशन. तो जो वेपर निकल रही है ऊपर जाके ठंडी हो रही है तो वो क्या होगा? कंडेंसेशन. तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? वाटर और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. इसको डिस्टिलेशन भी बोलते हैं. अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर मिलता है तो उसको बोलेंगे हम डिस्टिलेशन. और इस तरीके के वाटर को हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर. अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को हम ये फिल्टर प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको कि सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं. और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. इसमें जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो जाते हैं, बीच में सेटल डाउन हो जाते हैं, बीच में कलेक्ट हो जाते हैं. और लाइटर पार्टिकल्स जो हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द लाइटर वंस स्टे एट द टॉप. और ऊपर लाइटर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं. जिस ये उसी तरीके से है जैसे हम क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, ठीक है. मक्खन निकालते हैं तो बीच में जो डेंस पार्टिकल हैं वो तो मिक्सर ग्राइंडर के बीच में कलेक्ट होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर लेयर में कलेक्ट हो जाते हैं. तो इसी प्रोसेस से मिल्क से बटर, बटर से मिल्क जो है उससे बटर, कर्ड, कर्ड से बटर बनाया जाता है. और जो वेट क्लोथ्स हैं, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो वेट क्लोथ्स को सुखाया जाता है वो भी इसी प्रोसेस से, जब वो घूमती है, ठीक है, तो डेंस पार्टिकल बीच में कलेक्ट हो जाते हैं. डेंस जो कपड़े होते हैं वो तो बीच में और जो हल्के कपड़े होते हैं वो ऊपर ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है. उसके बाद हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड. अभी बात कर रहे थे हम कि दो ये मिसिबल लिक्विड्स थे, सॉलिड और लिक्विड मिक्स था. अब दोनों लिक्विड है और वो लेकिन आपस में घुलते नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि तेल और पानी. इमिसिबल लिक्विड मतलब जो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हैं उसको हम इमिसिबल बोलेंगे. और ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मिसिबल. जैसे कि लेमन जूस और वाटर, तो दोनों वाटर हैं वैसे तो, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मिसिबल. और यहाँ पर हम बात करें इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करोगे, तो सोचो तेल
और वाटर मिले हुए हैं, तो तेल और वाटर को आप बहुत अच्छे से शेक करके आपने मिला दिया, लेकिन शेक करेंगे कुछ टाइम बाद आप उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर की अलग लेयर बन जाएगी और तेल की अलग लेयर बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो कि एक ऐसा पाइप है उसके अंदर वाटर की अलग लेयर है और तेल की अलग लेयर है, क्या आपके पास ऐसा पाइप है जिसके अंदर एक स्टॉपर लगा हुआ है, अब धीरे धीरे उसमें से जो लिक्विड है वो नीचे आता जा रहा है, तो ऊपर क्या है पानी और नीचे क्या, या ऊपर क्या है ऑयल और नीचे क्या है वाटर, तो आप उस स्टॉपर को खोलेंगे और धीरे 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 वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिरती जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो नीचे वाटर गिरेगा तो ऑयल भी नीचे आता जाएगा, अब आपको पता है कि पूरा वाटर निकल चुका है तो आप उस स्टॉपर को बंद कर देंगे, तो वाटर तो आपने नीचे ले लिया और स्टॉप और उस जो एक आपके पास ट्यूब थी उसके अंदर ऑयल कलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप स्टॉप कॉक के हेल्प से क्या कर सकते हो, इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर बता रखा है, ये आपके पास एक फ़नल है, यहाँ पर एक फ़नल, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है और ऑयल भरा हुआ है मस्टर्ड ऑयल। तो आप क्या करेंगे, स्टॉप कॉक से धीरे धीरे ड्रॉपलेट नीचे लेते जाएंगे और जो ऑयल है वो उसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। अब आता है मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे अलग करोगे, तो जो लिक्विड्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो टेम्परेचर देने पर क्या होते हैं, वेपोरेट होते हैं, ठीक है, इवेपोरेट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको बोलेंगे हम कि अगर पानी में कोई चीज़ ऐसे मिला रखी है आपने जिसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज़्यादा है, मतलब 100 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही आपने उबालना शुरू किया तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री पर आ गया तो कौन वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वाटर, और वाटर वेपोरेट 100 डिग्री पर हो जाएगा, जिसको कि आप क्या कर लोगे, डिस्टिलेशन मेथड से ऊपर कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद डिस्टिलेशन मेथड से नहीं करोगे, एक पाइप लगा दिया जाएगा इस तरीके से, देखो ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारे पास ये एक इस तरीके से एक फ्लास्क लिया है आपने, इस फ्लास्क के अंदर आपने क्या भर दिया, ये वो दो मिसिबल लिक्विड्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है जो कि इसको बॉईल करता जा रहा है, ठीक है, ये बॉईल हो रहा है, तो अब ये बॉईल होगा, जैसे ही 100 डिग्री आएगा तो वाटर बॉईल होकर वेपर में चेंज हो जाएगा और वो वेपर इस पाइप के थ्रू कहाँ कलेक्ट कर ली जाएगी, इस वाले बीकर में कलेक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। अब वो बीकर में कलेक्ट हो गई, वाटर कलेक्ट हो गया, अब दूसरा जो है, अब इसको हम हटा लेंगे यहाँ पर, अब जो दूसरा 120 डिग्री पर आएगा तो दूसरा जो उसके अंदर घुला हुआ लिक्विड है वो वेपोरेट होना स्टार्ट करेगा, उसको हम अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम नेप्थेलिन और पेट्रोल केरोसिन गैस ऑयल या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल या डामर, इनको हम इसी मेथड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो अब आता है हमारे पास सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड एक साथ यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं। टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग शुगर वाटर एंड एडेबल ऑयल, क्या करोगे, शुगर और वाटर और एडेबल ऑयल, तो शुगर सबसे पहले तो आप पानी को उबालोगे, जिससे क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन में आ जाएगा। अब आपके पास पहले तो आप क्या करोगे, सेपरेट द मिक्सचर बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप ऑयल को अलग कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास नीचे क्या बचा, शुगर और वाटर का मिक्सचर बचा, अब उस शुगर और वाटर को मिक्सचर करने उसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे, बॉयल करोगे, वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा और ऊपर उसको आप कवर करके ठंडा करके डिस्टिलेशन मेथड से वाटर को अलग कर लोगे और नीचे क्या रह जाएगी, शक्कर रह जाएगी। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। राइस सॉल्ट और आयरन फिलिंग को कैसे अलग करोगे, तो आयरन फिलिंग को करने के लिए आप मैग्नेट लगाएंगे तो आयरन अलग हो गया। अब आपके पास दो चीज़ें बची, राइस और सॉल्ट, उसको आप कैसे अलग करोगे, उसको आप क्या करके छान के छानेंगे तो जो नमक है वो तो नीचे आ जाएगा और राइस जो है वो ऊपर चलने में ही रह जाएंगे, तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास डिफरेंट मेथड का यूज़ करके आप क्या करोगे, अपने मिक्सचर में से
चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाता है. वाटर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है. डाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. मैनी वेस्ट मटेरियल, जब भी गर्मी लगती है तो हम पानी पीते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. वाटर जो है वो वेस्ट मटेरियल को अंदर अपने अंदर घोल लेता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर वाटर के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है. हमारी ग्रोथ के, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वाटर में मिनरल्स पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं. इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में वाटर जो है वो मिनरल्स और विटामिंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है. एक्वेटिक लाइफ में जो एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर रहने वाली समुद्र और नदी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है. वाटर के बिना कुल मिला के हमारी लाइफ है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर.